15 जून 2001 इस दिन एक बॉलीवुड की बड़ी फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम था गदर एक प्रेम कथा और इस फिल्म के लीड हीरो थे सनी देओल। सनी देओल ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं, लेकिन गदर उनकी ऐसी फिल्म है जिस फिल्म की खुमारी आज भी बरकरार है। इसी के मद्देनजर अब फिल्म का अगला पार्ट भी आने वाला है जिसका मोशन पोस्टर रिलीज हो चुका है। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि फिल्म के निर्देशक थे अनिल शर्मा और अनिल शर्मा के निर्देशन में ये बनी फिल्म उस समय ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म की सक्सेस की गूंज पाकिस्तान तक सुनाई दी और यहाँ तक पाकिस्तान में इस फिल्म को बैन तक कर दिया था। जाहिर सी बात है, सनी देओल को एक बार फिर से इस फिल्म में गरजते हुए देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है। इसीलिए तो निर्माता निर्देशकों ने बिना समय गंवाए हुए अब इस फिल्म का अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं और इस फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शायद शुरू भी होने वाली है। गदर फिल्म का अगला पार्ट कैसा होगा और इस फिल्म की कहानी क्या होने वाली है, इस पर भी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले बॉलीवुड के अभिनेता सनी देओल ने शुक्रवार को यानी दशहरे के शुभ अवसर पर उन्होंने अपनी फिल्म की घोषणा कर दी। वह साल 2001 में आई अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक मोशन पोस्टर शेयर करते हुए सनी देओल ने बताया कि गदर का दूसरा पार्ट अगले साल यानी 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाला है। इंस्टाग्राम पर इस खबर को शेयर करते हुए अपने पोस्ट के साथ सनी देओल ने लिखा, आखिरकार दो दशक के बाद इंतजार खत्म हो गया है। दशहरा के पावन अवसर पर आपके सामने है गदर 2 का मोशन पोस्टर, कथा आगे भी जारी है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि पुरानी वाली गदर में तो सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी साहब जैसे बड़े कलाकार थे, लेकिन अब इस फिल्म की कहानी में हमें क्या नया देखने को मिलेगा, तो इस पर भी हम आपको थोड़ी बहुत राय दे ही देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म के लिए एक बार फिर से सनी देओल ने फिल्म मेकर अनिल शर्मा के साथ हाथ मिलाए हैं। गदर की पहली कास्ट के साथ ही इस प्रेम कथा को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी फिल्म में सनी देओल के साथ साथ अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा ही मुख्य भूमिका में दिखाई देंगे। यहां हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि उत्कर्ष शर्मा वही हैं जो गदर में अमीषा और सनी देओल के बेटे बने थे और असल जिंदगी में ये अनिल शर्मा के सुपुत्र हैं जो इस फिल्म के निर्देशक हैं। जब गदर एक प्रेम कथा साल 2001 में रिलीज हुई थी तब इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। आज भी जब ये फिल्म टीवी पर आती है तो इसके चाहने वाले बहुत ही चाव स्क्रीन पर टकटकी लगाए इसे देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन पर आधारित इस फिल्म में एक सिख लड़के तारा सिंह उर्फ सनी देओल को एक मुस्लिम लड़की से यानी सकीना से प्यार हो जाता है और ये मोहब्बत बंटवारे के खूनी रंगी जमीन पर शुरू होती है। इस फिल्म की कहानी को शक्तिमान ने लिखा था और इसका निर्देशन अनिल शर्मा ने किया था। आने वाले समय में इस फिल्म से जुड़ी बाकी डिटेल तो सामने आ ही जाएगी, लेकिन तब तक आप हमें बताएं कि आपकी क्या एक्साइटमेंट है फिल्म के अगले भाग को लेकर। कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें।